किसी को नहीं खाना? नहीं, अरे सब डाइट पे है। आप Ma'am, no one exists, my lens exists. No one exists, only my lens. So I exist, that's why your lens is here. So I want to take another lens. Okay, now on my count of three, okay? Thank you. मेघना सोलह पचास हो गया आपके। आपने तो और 10 साल बढ़ा दिए, अच्छा है। मतलब 18 साल भी हो जाएगा और अब हम इधर ही मिलेंगे। ये मेरे लिए फैमिली है, सो मोर देन क्लाइंट्स दे आर समबडी आई कैन जस्ट पिक अप द फोन एंड से कि प्लीज आपको आना है, और मैं मतलब इनको दो राय देती नहीं हूँ, आपको आना है मतलब आना है, सो एंड दे विल बी अ हेल स्टॉर्म थंडर वट एवर। पर अच्छा लग रहा है, 8 साल कैसे गुजर गए ये बोल नहीं सकती, पता नहीं चला, बिल्कुल पता चला। इट्स नॉट बिन ईजी बट इट्स बिन एन अमेजिंग जर्नी, आई एब्सोल्युटली एंजॉयड इट, बहुत ही मज़ा आया है इतने अमेजिंग क्लाइंट्स और ऐसे एनजीओ के साथ काम करने में, इट्स बीन फैबुलस। अब प्लीज हाउ मच यू फील प्राउड के एक एनजीओ के साथ कोई काम करना और उनके साथ लाइक बच्चों को उनके साथ थोड़ा खुशी अपना। या
मैं इनफैक्ट अवंतिका को सोप बॉक्स ओपन करने से पहले से जानती हूँ, तो 9 साल के करीब से जानती हूँ. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि वो शी इज़ यू नो शी ऑलवेज इन्वाइट्स मी एंड कॉल्स मी फॉर दिस काइंड ऑफ नाइस एनजीओ मीट्स और यू नो इतने अच्छे अच्छे काम करती है और मुझे भी अच्छा अच्छा काम करने देती है, तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है. इनफैक्ट ये लोगों के साथ यू नो टाइम स्पेंड करके यू रियली इन्जॉय द मोमेंट्स दैट यू हैव विद देम. हम ज़्यादा देर नहीं रहते यहाँ पे, पर जो भी आधे घंटे जो आधा घंटा 45 मिनट्स जो हम स्पेंड करते हैं, इट इज़ क्वालिटी टाइम. बच्चों के साथ ऑब्वियसली आपका बचपन वापस आ जाता है, और कौन बचपन में नहीं जाना चाहता. और वैसे भी सब लोग यही कहते हैं कि जितने भी बड़े हो जाओ, मैं तो यही मानती हूँ और मेरा यही सोचना है कि जितने भी बड़े हो जाओ अपने अंदर का जो बचपन है वो हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए. और मेरे में बचपन अभी भी बहुत है, और जब मैं इन लोगों के साथ होती हूँ तो वो और भी ज़्यादा जागरूक हो जाता है. एंड आई थिंक जब अवंतिका ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे कहा कि मुझे यहाँ होना चाहिए एंड सोप बॉक्स इनके साथ स्माइल फाउंडेशन इन छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चों के साथ अपना एनिवर्सरी मनाना चाह रहा है, तो दैट वाज ऑल द मोर रीज़न फॉर मी टू बी हियर. ऑफ कोर्स अवंतिका के लिए तो मैं यहाँ पे हूँ ही, क्योंकि मैं मुझे इनके साथ हमारी एसोसिएशन को 5 साल हो चुके हैं, 5 या 6 साल हो चुके हैं. तो इनफैक्ट थैंक्स टू अवंतिका, आई थिंक एक्टर्स लाइक अस, हमें भी ये चांस मिलता है यू नो टू स्पेंड टाइम विद यू नो एन जी ओज एंड स्माइल फाउंडेशन एंड जस्ट टू हेल्प एंड बी मेरी. सर्कल लाइक हम ये हैं तो हम हैं और हमें तो आप हाँ हाँ एक हाँ हाँ एक सर्कल ही बन जाता है. I'm sure सबको बढ़ना है, सबको आगे बढ़ना है, लेकिन जो हमारा साथ हुआ है चाहे 6 साल से हो, 9 साल से हो, बाकी जो मेरे क्लाइंट्स हैं सब क्लाइंट्स मतलब दे आर सो इम्पोर्टेंट टू मी. अनफॉर्चुनेटली वो सब यहाँ पे नहीं हो सके क्योंकि वो डेली सोप शूट कर रहे हैं, लेकिन उनकी शुभकामनाएं, उनका लव हमेशा मेरे साथ रहेगा एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, ईच एंड एवरीबडी. सो थैंक यू फॉर चूजिंग सोप बॉक्स एंड थैंक यू फॉर मेकिंग अस ग्रो 8 years एंड I'm just blessed. And it's a very sweet gesture also for somebody to think like this, because har koi aise nahi sochta. So I think it's a very sweet gesture and we are very happy to be a part of this association, and thank you all so much for being with us. Thank you. Thank you. Yeah, I'm bad.
आर वी सेल्फ entire idea of being around children and this foundation is supporting their education, I guess. That's amazing. Girl ho, boy ho, jo bhi ho, educate karna bahut zaruri hota hai. So I like the idea behind that. That's why I'm here. And definitely I'm here for Avantika, of course. How's life is going with your babies? How much are you enjoying? This is the best time of my life with her. She is more than my life, I can say. And I'm obsessed with her. Let me confess that. So everywhere I go, I take her along. This is the first media event she's come. Because I don't take her to media events. She is very friendly, definitely. She's a people's person. But then I try to keep her away as much as I can from the cameras and lights. But I'm having the fun of my life. Of course, by next year summers. Somewhere around. So how much you feel proud to go on this event like the foundation? See, मैं खुद ऐसा कुछ करना चाहती हूँ. In fact, मैं बच्चों को educate करना चाहती हूँ. In fact, on I want to start from a very small level. I understand the meaning of education somehow. Very much. तो I really support these foundations. जितना भी करते हैं, जो भी करते हैं, थोड़ा करते हैं, कम करते हैं, but at least कर रहे हैं, कुछ ना कुछ initiative कर रहे हैं. तो which is very good. And even I want to do something for them. I want to do a lot for kids and animals. So
I completely love the idea because I can relate to it completely. Thank you. Thank you so much. Thank you. Last look, ma'am.